एवरी वन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइमिंग डायग्राम फॉर मेमोरी रीड साइकिल ठीक है आई इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस मेमोरी रीड ऑपरेशन तो उसका मैं डायग्राम एक बार शो कर देती हूँ हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है दिस इज मेमोरी रीड ऑपरेशन इसमें हमारे कितने स्टेप्स थे फर्स्ट स्टेप था एड्रेस प्लेस करना सेकेंड था कंट्रोल सिग्नल एंड थर्ड था डेटा मीन्स की फॉर वन स्टेप वन क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड तो थ्री स्टेप्स हैं तो हाउ मेनी क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड थ्री क्लॉक पल्सेज आर रिक्वायर्ड ठीक है तो ये मैंने थ्री क्लॉक पलसेज ले ली दिस इज टी वन टी टू टी थ्री क्लॉक पल्सेस को मैं शो कर देती हूं क्लॉक पल्सेस के फॉर्म में वन टू थ्री ठीक है तो दीज आर द क्लॉक पलसेस आपकी टी वन टी टू टी थ्री ठीक नाउ फर्स्ट स्टेप क्या थी फर्स्ट स्टेप वॉज एड्रेस प्लेस्ड एट एड्रेस बस ठीक है तो जब हमारी फर्स्ट स्टेप होगी एंड एड्रेस कितनी लाइन्स की है ए फिफ्टीन टू ए एट दिस इज हायर ऑर्डर एड्रेस फिर ए सेवन टू ए नॉट दिस इज द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस ठीक है तो जब हम एड्रेस को प्लेस करेंगे तो हम पहले ये मैं लाइन्स ड्रॉ कर लेती हूं ये मैंने लाइन्स ड्रॉ कर ली हायर ऑर्डर एड्रेस बस के लिए मैं यहां शो करती हूँ ए ए टू ए फिफ्टीन एंड लोअर एड्रेस को मैं यहाँ शो करती हूँ ए नॉट टू ए सेवन ठीक है हायर एड्रेस जो आपकी कैरी होगी वो आप यहाँ पे ट्रांजिशन दिखाओगे कि चेंज हुआ एवरी क्लॉक पल्स पे ये बसेज होती हैं तो हम कंबाइन लेते हैं सिक्सटीन बिट का आठ बिट का एड्रेस है हायर ऑर्डर सिक्सटीन बिट का कम्बाइंड होता है हमारी थ्रू आउट टी वन टी टू टी थ्री सेम रहेगी फॉर ए नोट टू ए सेवन ये हमारी लोअर ऑर्डर को कैरी करेगी इफ यू रिमेंबर तो हमारी लोअर ऑर्डर कैसे कंबाइन होती थी वो हमारी होती थी ए डी सेवन टू ए डी पर ठीक है ये ए डी नोट मीन्स की डेटा लाइन एंड एड्रेस लाइन दोनों हमारी एक साथ होती थी तो इसको अगर हमें सेपरेट करना होता था डी मल्टीप्लेक्स करना होता था तो हम एक हमारी होती थी एल ई दिसवल टू वन तो दिस लाइन वर्क एज ए लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन मीन ए सेवन टू ए नॉड वेन ए एल ई इक्वल टू जीरो दीज लाइन्स वर्क एज अ डेटा लाइन डी सेवन टू डी नॉड तो ठीक तो है फर्स्ट स्टेप में हम एड्रेस सेंड कर रहे थे मींस so की फॉर फर्स्ट क्लॉक पल्स ए एलई शुड बी इक्वल टू वन सो दैट कि ये हमारी लोअर ऑर्डर की एड्रेस लाइन को कैरी करे तो हम ए एल ई सिग्नल ड्रॉ करेंगे ए एल ई ये हमारा वन होगा फिर हम इसको जीरो कर देंगे थ्रू आउट ठीक है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप में एड्रेस को प्लेस करना है तो ये हमारा फर्स्ट में हाई हुआ दिस इज एलई ठीक है और जब ये हमारा हाई होगा री द लोअर ऑर्डर एड्रेस एड्रेस डन ठीक है उसके बाद ये वैल्यू एल ए की वैल्यू जीरो हुई मीन्स की ये अपनी इनिशियल वैल्यू जीरो पर आ जाएगा कुछ भी कैरी नहीं करेगा ठीक है अब हमारा जो कम्युनिकेशन था मेमोरी रीड ऑपरेशन था मीन्स की माइक्रोप्रोसेसर एंड मेमोरी के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है कम्युनिकेशन होना है बिट्वीन माइक्रोप्रोसेसर एंड मेमोरी तो आई नॉट एम बार विल बी इक्वल टू जीरो अब हम क्या शो करेंगे आई ओ स्लैश मेमोरी बार मेमोरी को सेलेक्ट करना है मीन्स की इनिशियली हम शो करेंगे ये हाई पे था फिर थ्रू आउट पूरे प्रोसेस में ये मेमोरी से ही कम्युनिकेट करेगा तो T1 वन टू टी इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो क्लियर ये हो गए जीरो अब हमारा आता है कि ये रीड ऑपरेशन करेगा तो हमारे पास टू स्टेटस सिग्नल्स होते हैं S1 एस नॉट ठीक है इसके केस में क्या होता है 1, 1 पर ऑपरेशन एंड जीरो जीरो पर हॉल्ट और स्टॉप होता है ठीक तो अभी हम क्या कर रहे हैं अभी हमें क्या परफॉर्म करना है हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है ठीक है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस वन एस वन विल बी वन और एस नॉट विल बी जीरो हम यहाँ पे टू लाइंस लेते हैं ठीक है एस वन की वैल्यू को हम हाई पर रखते हैं ये हमने शो किया दिस इज एस वन और एस नॉट को हम लो पर रखते हैं ये हो गई ठीक तो एस वन जो हाई जा रहा है उसको हमने एस वन लिखा जो वैल्यू लो जा रही है उसको हमने एस नॉट लिखा ठीक है तो ये हो गया हमारा एस एस वन एस नोट हमारा मेमोरी भी हो गया एस वन एस नॉट भी हो गया अब नाउ जब फर्स्ट स्टेप में एड्रेस प्लेस हो जाता है तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करते थे इन सेकेंड स्टेप हम क्या करते थे कंट्रोल सिग्नल प्लेस करते हैं इन सेकेंड स्टेप एमपी यू प्लेस्ड कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल सिग्नल रीड बार ठीक है रीड बार टू मेमोरी ठीक है मेमोरी को सेंड करेगा अब रीड बार है मीन्स की हम रीड बार रीड बार कब हुआ सेकेंड स्टेप में हुआ फर्स्ट क्लॉक पल्स में इसकी वैल्यू क्या रहेगी हाई रीड बार कब एक्टिव होता है रीड बार इज अ एक्टिव लो सिग्नल मीन्स की वेन रीड बार इज इक्वल टू जीरो तो रीड ऑपरेशन होगा तो इन सेकेंड क्लॉक पल्स रीड बार की वैल्यू क्या होगी जीरो और जब ये क्या होगी जब रीड बार हमारा एक्टिव होता है तो मेमोरी चिप हमारी ऑन होती है और डेटा को सेंड कर देती है जब थर्ड स्टेप में डेटा सेंड हो जाता है तो हम कंट्रोल सिग्नल को रिमूव करते हैं मीन्स थर्ड स्टेप मीन्स की थर्ड क्लॉक पल्स में ये जीरो से क्या जाएगा हाई जाएगा ठीक है तो ये हो गया हमारा रीड बार सिग्नल और जब हमारा रीड बार सिग्नल एग्जैक्टली जीरो होगा तो हमारी मेमोरी चिप एक्टिव होगी और वो डेटा को प्लेस करेगी ऑन डेटा बस तो अब डेटा बस कौन कैरी करेगा ये कैरी करेगा तो ये डेटा बस को कैरी करना स्टार्ट करेगा ठीक है कब जब हमारी ये एग्जैक्टली exactly जीरो हुई तो हम इसको ऐसे कनेक्शन को शो करते हैं ठीक है और जब ये एग्जैक्टली exactly हाई हो जाता है तो डेटा बस हमारी डिसकनेक्ट हो जाती है बिकॉज मेमोरी हमारी ऑफ हो जाती है तो जब ये हमारा हाई हुआ सॉरी एग्जैक्टली हाई हुआ तो ये हमारी वापस इनिशियल स्टेट आना शुरू होगी ये ये इनिशियल स्टेट आ गई ठीक है मीन्स की टी टू पर जब हमारा रीड बार एग्जैक्टली एक्टिव हुआ डेटा बस हमारी स्टार्ट करेगी डेटा को कैरी करना जैसे ही रीड बार सिग्नल रिमूव हुआ डिसेबल हुआ हमारी डेटा बस कहाँ चली जाएगी इनिशियल वैल्यू पर नाउ वी कैन से जनरेट एम ई एम आर बार बाई कम्बाइनिंग रीड बार एंड आईओ एम बार मी हम आईओ एम बार एंड रीड बार को कम्बाइन करते हैं तो वी कैन जनरेट मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल तो क्या होगा मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल वो एग्जैक्टली exactly सेम होगा लाइक रीड सिग्नल ठीक तो अपना वैल्यूज पुट कर देती हूँ इन प्रीवियस एग्जाम्पल और ज द ब्लॉक डायग्राम फॉर मेमोरी वीड ऑपरेशन इसकी हमारी फर्स्ट स्टेप थी एड्रेस प्लेस करना हमने एड्रेस क्या प्लेस किया था टू थाउजेंड थ्री तो नाउ अगर हम इसमें इसकी वैल्यूज को प्लेस करें तो टू थाउजेंड थ्री दिस इज इसका हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर ठीक है तो हायर ऑर्डर कौन कैरी करेगा ये आपका जो ए ए टू ए फिफ्टीन है मीन्स कि यहाँ पर आपका कैरी होगा ट्वेंटी एच लोअर ऑर्डर मीन्स कि जीरो थ्री कहा कैरी होगा दिस पोर्शन में जीरो थ्री एच ठीक है अब जब ये वाली पोर्शन है डेटा कैरी होगी तो हमने डेटा क्या सेंड किया था इस डायग्राम में फोर ए फोर ए क्यू क्योंकि टू थाउजेंड थ्री एड्रेस पर क्या था फोर ए तो दिस पोर्शन कैरी फोर यहाँ पर हमने डेटा सेंड किया था फोर ए तो ये जब डेटा वर्स की तरह वर्क करेगी तो ये क्या कैरी करेगी फोर ए एच ये फोर ए एच कहां से आया मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर तो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम फॉर मेमोरी रीड ऑपरेशन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन थैंक यू